भारत में वैक्सीन की क्या है तैयारी, इसे जानने और समझने के लिए कल प्रधानमंत्री पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद की जाइडस कैडिला कंपनी में जाएंगे। लोगों को उम्मीद है कि इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री वैक्सीन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और अहमदाबाद की जाइडस कैडिला कंपनी में जाएंगे। प्रधानमंत्री का अहमदाबाद और पुणे का दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट और जाइडस कैडिला ये दोनों कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च के साथ साथ प्रोडक्शन भी करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इनका दौरा 28 तारीख के लिए निश्चित हुआ है और जो प्रोग्राम अभी हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप हमारे पास जानकारी ये है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय लगभग 12:30 बजे पुणे में लैंड होंगे और सीरम इंस्टीट्यूट को उनकी उनके द्वारा 1 घंटे का समय दिया गया है। 1 बजे से 2 बजे तक सीरम इंस्टीट्यूट में भेंट विजिट, वहाँ पर वैक्सीन की निर्मिति और वैक्सीन के वितरण से संबंधित जो तैयारियाँ हैं उसका भी वो जायजा लेंगे। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का प्रोडक्शन होना है। कोविशील्ड ही वो कोरोना वैक्सीन है जो भारत को सबसे पहले मिलने की उम्मीद है। इस वैक्सीन को फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डेवलप किया है। सीरम इंस्टीट्यूट के बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में जाइडस कैडिला कंपनी में जाएंगे। जाइडस की वैक्सीन जाइकोव डी को अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, इसलिए मोदी इस कंपनी में जाकर वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रोग्रेस देखेंगे। जाइडस अकेली भारतीय कंपनी नहीं जो कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट में आगे बढ़ चुकी है। भारत बायोटेक भी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन डेवलप कर रहा है। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल में कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। यहाँ करीब 1000 वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने कोवैक्सीन ट्रायल की पूरी प्रक्रिया को अपने कैमरे में कैद किया। कोरोना वैक्सीन की ट्रायल की तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त 16 सिविल में ये ट्रायल चलेगा। करीब 1000 कैंडिडेट जो हैं उनको महीने में 2 बार ये डोज दिए जाएंगे और उन पर परीक्षण करके तय किया जाएगा कि वैक्सीन का क्या असर हो रहा है उन पे, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और कितनी इफेक्टिव है ये वैक्सीन। पूरे देश की नजरें अब वैक्सीन पर ही टिकी हैं क्योंकि वैक्सीन आने के बाद ही ठहरी हुई जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ेगी। और पुणे में रेलवे स्टेशन की एक कैंटीन में कल भीषण आग लग गई। कैंटीन में आग लगते ही प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ देर के लिए मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और राहत की बात यह रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि आशंका है कि कैंटीन में आग की शुरुआत किचन में किसी चीज में आग लगने से। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, देखिए किस तरह से इस आग के दौरान जो लोग अंदर की तरफ से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई और स्टेशन पे ही काफ़ी देर तक इसी तरह अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि जो लोग वहां पर थे उन्होंने खुद पहले आग बुझाने की कोशिश शुरू की और खासी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। और अब वक्त है आज सुबह की हेडलाइंस देखने का।